तो मेरी फैमिली कैसे हो आप लोग। सो फाइनली 1 अप्रैल हो चुका है एंड आज ही मेरी फ्लाइट है केरला के लिए। एंड 2nd और 3rd मैं रेस्ट करूंगा एंड 4th को सुबह मेरा कॉम्पिटिशन है। तो जनरली जो लास्ट वर्कआउट मैं करता हूँ वो होता है 2 दिन पहले, क्योंकि आज है तो मैं आज सुबह वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिशन भी सुबह है। तो आज हम सुबह वर्कआउट करेंगे, फिर हम फ्लाइट में जाएंगे। श्वेत भी साथ चल रहा है, उसके साथ साथ होटल में अमन और कुणाल ऑलरेडी हैं। तो कल अमन और कुणाल का कंपटीशन है तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। मेरे को इस बार पूरा यकीन है कि मैंने पिछले 6 महीने बहुत मेहनत करी है एंड आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। सो इस बार कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब मेरे अंदर का डर हट चुका है, मैं बस जाना चाहता हूँ स्टेज पर, परफॉर्म करना चाहता हूँ। लास्ट वर्कआउट जिम चलते हैं, भैया से भी मिलते हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा है जिम एक्स्ट्रा खोल खोल के 1-1 घंटे आधा आधा घंटा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो रोल प्ले करती हैं आपको, जो साथ देते हैं पावरलिफ्टिंग में। और बढ़िया वर्कआउट करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे एयरपोर्ट पे। और मैंने बहुत तगड़ी शॉपिंग कर रखी है कंपटीशन के लिए, और तो मैं शॉपिंग दिखाऊंगा अभी जिम से आके। ठीक है, लेट्स गो। सो गाइज, ये लास्ट वर्कआउट बिल्कुल हल्का कर रहा हूँ। डेडलिफ्ट 220 पे 4 रेप, स्क्वाट 200 पे 4 रेप। बस अपनी बॉडी को फ्रेश रखना है, बट ऐसा नहीं कि रिदम भी खो देना, इसलिए वर्कआउट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। ओके भैया, ओके, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और जीत के आना इस बार, बिल्कुल 215 की डेडलिफ्ट, उससे ऊपर ही जाएगा मेरे ख्याल से। अब इस जिम में मेडल के साथ का मैं बता नहीं सकते, स्क्वाड का अभी सरप्राइज है सबके लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। जैसा बेंच मैंने शॉक कराया ना, स्क्वाट भी करेगा। बहुत लोगों को बताया नहीं है, मैंने वीडियो भी नहीं डाली है पीआर की, कॉम पे दिखाते हैं। सो गाइस, टाइम हो चुका है, हम जा रहे हैं केरला। तो ज़रूरी था कि थोड़ा ट्रिप हो जाए, थोड़ा स्टाइल हो जाए केरला वाली, क्योंकि साउथ की मूवीज़ में मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो वो स्टाइल थोड़ा। तो मैंने प्लस ये चेन मंगवाया क्योंकि मैंने बाहर के लिफ्टर्स को देखा था चेन पहनते, तो थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश करिए। आप बताओ कैसा लग रहा है ये टी शर्ट, और मैंने बड़ा देखा ये साउथ में ऐसे करके पहनते हैं, तो साउथ वाली जो ऑडियंस है वो बताओ कैसा लग रहा है। ऑल सेट, नीचे टैक्सी भरी है, स्वेट बैठा हुआ है, सो लेट्स गो। मैंने नहीं शुरू किया अभी तक व्लॉग। क्या तैयार हुआ है भाई तू? सर लॉन्डी पटानी, मैं इतना अंडर ड्रेस्ड हूँ सर। एक मिनट, ये अंडर ड्रेस्ड है भाई, रुक जा भाई। लेकिन तू थोड़े दिन पहले मिल जाता जब ये दाढ़ी मूछ नहीं थी, मजा आ जाता। सो भाई ऑल सेट, ये भी तैयार हो गया है इसे। और तू केरला क्यों जा रहा है, तेरा कॉम्प नहीं है, क्यों जा रहा है भाई? से साउथ की लड़कियाँ पसंद है, तो साउथ में कोई बंदी जो मिलना चाहे। तो भाइयों, ये लाल वाले बैग का इसने गैस करा है वजन होगा 12, मैं गैस कर रहा हूँ 16। और जो भी सही निकलेगा हाँ, वो पहली पार्टी केरला की देगा। ठीक है, डन है, क्योंकि भाई 15 से ज़्यादा आने पे फाइन लगता है। 13.8 आया, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट 15 kg अलाउ होता है। तो मेरा 13 आया, इसका 14.7 आया, तो हम बिल्कुल इसने 12 बोला था, मैंने 16 बोला था, इसने 12 बोला, मैंने 16 बोला, बीच में आया 14। सुनो, पार्टी कैंसिल। तो भाई अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, करीब करीब 3 घंटे का हॉल्ट है, तो यहाँ से 6:30 की फ़्लाइट है, 9:30 पहुँचेंगे रूम पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएगा। और सफ़ेद भाई साहब ने अपने चश्मे प्लेन में ही छोड़ दिया है, तो उसके लिए बैठना पड़ रहा है, आधे 1 घंटे लगेंगे वो चश्मा मिलने के लिए। चश्मा नहीं रहेगा तो उसे दिखेगा ही नहीं, पावर वाले चश्मे हैं तो चाहिए, ज़रूरी है। और मील इस बार कैरी करी है, चिकन चावल फ्रूट सब कुछ बैग में है, प्रोटीन, तो इस बार भाई 100% मल्टीविटामिन हर एक चीज़ ले ली है, कि वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं चाहिए। भाई दिल्ली से निकल रहे हैं, और देहरादून से दिल्ली वाला जो फ्लाइट था ना, उसमें बहुत लेफ्ट राइट कर रहा था ऊपर, तो अभी इसमें लेफ्ट राइट ना हो ज़्यादा तो मज़ा है। नहीं तो तू चला ले जाके, ठीक है। तू नहीं चलाता यार, अभी उनकी भी जॉब है, मैं जॉब था, सबकी जॉब ले लूँ। मैं गाड़ी चलाऊँ तो तुझे लगता है गलत चला रहा है, ये फ्लाइट उड़ा रहा तो तुझे लगता है गलत चला रहा है। बिल्कुल भाई, मौसम देखो भाई, रो रहे हैं दिल्ली की लड़कियाँ, रो रही है तू जा रहा है उन्हें छोड़ के, मिला नहीं तुमसे। लड़कियाँ नहीं, लड़के रो रहे हैं फैंस। वो जो 150 कैचिंग कर रखी है तूने दिल्ली। गाइस, हम आ चुके हैं होटल,
और भाई सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, हमने बस कितना पे किया है पर नाइट का, अराउंड दो कुछ उसमें। ये रूम मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, दो कुछ 200 ऐसे 2000 कुछ था ब्रेकफास्ट इंक्लूड करा के, तो बढ़िया है ना उस हिसाब से। भाई वॉशरूम में क्या लाइटिंग आ रही है, और अभी रात के 12 बज गए तो हम सोने जा रहे हैं। कल सुबह 8:30 इनका कंपटीशन है कुणाल रमन का, तो उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि कंपटीशन से पहले एक अलग स्टेट ऑफ माइंड होती है, नींद भी नहीं आती, बहुत चीज़ें चलती है दिमाग में। तो अब सीधा कल मिलूँगा उनसे कॉम वेन्यू पे, सुबह सुबह उनको सपोर्ट करेंगे, स्टेज देखेंगे कैसा स्टेज है, कैसा कॉम वेन्यू है, कहाँ परफॉर्म करना है दो दिन बाद, तो कल आपको सुबह दिखाऊंगा। गुड नाइट, अब सोते हैं। तो भाई इस बार हर एक मील कैरी हो रही है, यहाँ पे पपीता है, इसमें ड्राई फ्रूट है, बाहर में गई तेरी डाइट और बेरीज है, मुझे पता कुणाल का लोग एंजल लोग कैसे हो सकते। तो बढ़िया, इस बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। और ये वाला जो वीडियो है ये आ रहा है 2 तारीख को, कंपटीशन है परसों 4 तारीख को, तो 4 तारीख को सब रेडी रहना, शाम को वीडियो डाल दूंगा। अभी सोता है क्योंकि सुबह उठना पड़ेगा क्योंकि इनका कंपटीशन है तो हेल्प कराना बनता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई कुणाल का वेट आया है 64.5, मेरे को नहीं पता वो कैसे करता है, 70 कहाँ से शुरू करा उसने, 70 आई थिंक, एंड 5 kgs इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज, बड़ा मुश्किल चीज़ है। और अमन का भी हो गया सही से 65.8, तो बढ़िया है, अमन का 65.8 आया, सही है भाई, उसे जितना चाहिए 66 के नीचे उसने किया, ये बहुत ज़्यादा नीचे लेके गया। क्योंकि क्या होता है पावर लिफ्टिंग में, आपको अगर नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मान लो आपने भी लास्ट अटेम्प्ट 200 की स्क्वाट मारी, दूसरे बंदे ने भी 200 की स्क्वाट मारी, तो जजिंग पता है कैसे होगी, जिसका बॉडी वेट कम था उसे जिता देंगे। तो इसीलिए कुणाल हमेशा ये करता है कि थोड़ा सा बॉडी वेट 1-2 kg ज़्यादा कम करता है ताकि अगर टाई का सिचुएशन आए तो वो जीत जाए। तो भाई ब्रेकफास्ट में साउथ आया तो साउथ की चीज़ ट्राई करनी थी, फिर फ्रूट्स ले लिए, ऑमलेट, तो भाई यही है वेन्यू, अब देखते हैं अंदर जाके कैसा है। तो भाई मैं पहली बार एंटर कर रहा हूँ और काफ़ी सही लग रहा है, पिछली बार से तो पिछली बार बहुत ख़राब था क्योंकि, तो सही लग रहा है अरेंजमेंट क्योंकि बहुत बढ़िया हॉल है। तो भाई कल हमें उसी जगह में तगड़ी तगड़ी लिफ्ट मार के प्रूफ करना है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को यहाँ बैठने बैठने के लिए। तो भाई ये वार्म अप एरिया है, 1 squat rack, 2 squat rack, 3 squat rack, एंड मेरे को याद आ रहा है लास्ट वाले कॉम्पिटिशन में बस एक ही स्क्वाट रैक था, एक स्क्वाट रैक पे 15 लोग वार्म अप कर रहे थे, तो इस बार बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट हुई है। सो भाई कुणाल जीत तो गया है बट उसका ड्रग टेस्ट हो रहा है, तो जिनको भी लगता है कि ड्रग टेस्ट नहीं होता, प्रूफ देख लो, सामने सामने हो रहा है, जो भी फर्स्ट आता है उसका चेकिंग होता है। भाई 9 बजे कंपटीशन स्टार्ट हुआ था, 12 बज रहे हैं, 3 घंटे लगा, बहुत सब कुछ स्मूथ हुआ, बहुत टाइम से हुआ, बहुत अच्छा हुआ कंपटीशन, तो मेरे को उम्मीदें बढ़ गई हैं कि मेरा भी कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। और रिजल्ट्स, ओए रिजल्ट्स बता दूँ भाई, यू तेरे में लाइव आगे बता दूँ कैसा लगेगा, ओए वैसे मुझे लगेगा। तो भाई रिजल्ट्स तो तुम देख लेना इन दोनों के चैनल पे, इन दोनों के लिफ्टे में, और देखा तुमने ड्रग टेस्ट हुआ भाई, तो बढ़िया सब कुछ हो रहा है, पावर लिफ्टिंग ग्रो हो रही है, तो इस लेवल पे देखो कि जो तगड़े एथलीट्स हैं ना वो यहीं खेलेंगे। जिन्हें मीडियोकर लिफ्ट्स मारनी है, मीडियोकर सब स्टैंडर्ड जजिंग में जीतना है, वो कहीं और जाके खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं चीज़ें, तो यहीं मज़ा आता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं खेलने, और कोई रीज़न नहीं कि हम इतने पैसे लगा के यहाँ खेलने आए हैं। सो अभी जा रहे हैं हम, कुछ खाएंगे पियेंगे, और कल मेरा रेस्ट है, तो कल मैं वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम कुछ नहीं डालूंगा, एक्टिव नहीं रहूँगा, एंड परसों मेरा काम है। तो भाई कुणाल आ गया रूम आफ्टर गिविंग हिज यूरिन सैंपल, खून पसीना टॉयलेट सब चीज दे दिए भाई। तो भाई इसको सुसु ही नहीं आ रही है, कितने देर बैठे रहा, 3 लीटर पानी पिया हूँ ऐसा, तो बॉडी ट्यूब में भरना था सुसु, हाँ
हाँ एक ट्यूब था, उसके बाद भाई बहुत लंबा प्रोसेस, मतलब दो दो ट्यूब था, उसके अंदर कुछ कुछ खुद से मिलाओ, मतलब वो लोग कुछ खुद से मिलाओ सबको, मतलब जो जो था। तो तेरे को तेरे को देखो तेरे को देखा सुसु करते हुए? हाँ बंदा खड़ा था भाई, बाहर तू सुसु कर रहा हो देख रहा, मतलब ऐसे ही देख रहा है भाई। सबसे बड़ा सीन क्या बोला मुझे, बोला कि तुमको एक घंटा के अंदर टॉयलेट करना, अगर एक घंटा के बाद में तुम करते हो तुम्हारा आता है तो हम लोग रिपोर्ट अपने से बना देंगे। मेरी और फट गई भाई, तो लिटरली भाई बेस्ट स्टेज इन इंडिया, बेस्ट सीन, मतलब इतना प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर आपने देख लिया। कुछ लोग भाग गए थे थर्ड, और हाँ इसका ना थर्ड अटेम्प्ट लेने वाले थे दो तीन लोग, तो जैसे ही वो टीम आई ना ड्रग टेस्टिंग की तो वो लोग भाग गए, वो अटेम्प्ट ही नहीं लिया अपना। तो समझ लो कि जो लोग लेते हैं, कितने लोग लेते हैं वो भाग जाते हैं, वो टेस्ट नहीं देते। लेकिन ये बंदा सही बोला कि वो नाडा वाला बोले कि हम लोग गोली है और हम हर नेशनल में आएंगे। बढ़िया है, सही है, भाई भी नहीं आएगी। प्राइस मिलते वक्त, प्राइस मिलते वक्त गाना बज रहा है, सोचा था ये होगा। मैंने नहीं सोचा था कि प्राइस मिलते वक्त गाना बना बजेगा, ये इंटरनेशनल में होता है भाई, फुल वाइब आ रही है, फुल वो, हां फुल 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 वाइब। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉरेन में हम टेक अ बिग हैंड प्लीज। तो भाई ब्लॉगर बन गया भाई, अब पार्टी लेने आया हूं, पार्टी लेने आया हूं, कुछ हुआ है इसलिए, है ना? क्या हुआ पता नहीं, डाल डाल हमने डाले देखने के लिए। हमने एक चीज़ डिस्कस करी है जो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कुणाल ने, डेढ़ महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा इस बार बहुत अच्छा चांस है स्ट्रॉन्गमैन जीतने का। स्ट्रॉन्गमैन होता है पूरे कैटेगरी में, क्या बोलते हैं उसको, जिसका जीएल कैलकुलेटर जिसका ज़्यादा रहता है, मतलब कम बॉडी वेट में टोटल जिसका ज़्यादा रहता है वो बनता है। सो बेस्ट लिफ्टर, हम लोग ऑलरेडी मैं और सिंह अपना अपना कैलकुलेट कर लिए थे कि भाई कितना बॉडी वेट में कितना मारेगा तो क्या बनेगा। एंड 755-760 का टोटल करना है मेरे को, और आई कैन बी, मतलब मैं वीडियो डाल सकता हूँ, टाइटल ऐसा बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया। अभी दो कैटेगरी हो चुके हैं, दो हो चुका है, एंड मेरे को नहीं लगता कि बाकी में भी अब नहीं होगा। हाँ। अब कोई आएगा, सो लेट्स सी क्या होता है। और मेरा कॉम्पिटिशन, हम दोनों का ही कॉम्पिटिशन है भाई, लेकिन जो भी जीते अपना ही ये समझ लेना बस, अपने ही स्टेट में जा रहा है, लेट्स सी क्या होता है दो दिन में। भाई बियर क्यों पी रहा है? गाइस हम कॉम्पिटिशन से पहले थोड़ी पार्टी कर रहे हैं, ये तो बनता था भाई। कॉम्पिटिशन वाले बियर मत पी साले, तेरे पे डोप टेस्टिंग आ जाएगी भाई। आइस टी है, घंटा बियर है, क्या है बियर है भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, तू बता बियर है भाई, लेकिन भाई आप बताओ बियर हां बोल रहे, बोल अबे हम मैकडी में बैठे, मैकडी में बियर मिलती है भाई, बाहर से लाए हम पैसे भाई, ये तो कट कर देगा अपनी, पैसे गिराए मैकडी में बैठे, अभी ये ड्रॉप करता हूं। तो गाइस ये लास्ट वीडियो है, लास्ट टाइम मैं बात कर रहा हूं आपसे कंपटीशन से पहले, अराउंड 35 आवर्स बचे हैं, आज 2 तारीख की शाम हो गई है एंड कंपटीशन है 4 की सुबह। तो कल मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहूंगा, अपने आप को फोकस रखूंगा, एंड आप भी नीचे कमेंट्स में कमेंट कर दो ऑल द बेस्ट, जो भी आप बोलना चाहते हो, कैसे सोचते हो, कितना मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कितनी मैं लिफ्टें मार सकता हूँ, आप बता दो आपके थॉट्स क्या हैं। एंड जो भी लोग प्रे कर रहे हैं इस टाइम पे, जो भी लोग विश्वास रखते हैं भगवान पे, वो प्रे करना मेरे लिए, एंड बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी, फुल कॉन्फिडेंस है, फुल पावर। थैंक यू इतना साथ देने के लिए पिछले 6 महीने में, अब स्टेज पर दिखानी है लिफ्ट्स, अब जो काम करना था वो तो हो गया है, अब रिजल्ट्स का टाइम है। सो मिलते हैं परसों 4 तारीख को सुबह।